नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। नर्सिंग छात्र संगठन भीलवाड़ा द्वारा नर्सिंग कर्मियों पर हो रहे अत्याचार और शोषण के खिलाफ संगठन के प्रदेश सचिव सीपी शर्मा के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष मनोज जोशी द्वारा कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में प्रदेश सचिव शर्मा ने बताया कि हाल ही में सीएचओ के पदों पर राजस्थान सरकार द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसका परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसी के साथ प्राइवेट अस्पतालों में हो रहे नर्सिंग कर्मियों पर शोषण और अत्याचार, नर्सिंग कर्मियों को आर्थिक तौर पर दवा लिखने और रखने का अधिकार है, एम्स विज्ञप्ति में 80:20 आरक्षण के खिलाफ आदि की बात कही गई है। जिलाध्यक्ष मनोज जोशी ने कहा है कि उक्त मांगों का निराकरण अगर सरकार द्वारा नहीं किया गया तो मजबूरन संगठन को कोरोना काल में उग्र आंदोलन करना पड़ सकता है। ज्ञापन देने वालों में जिला प्रभारी लखन राव, जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मीलाल सेन, प्रकाश सिंह सावरजाट, जिला महासचिव नवनीत टाडा, जिला सचिव दिनेश खटेक, केशव पांडे, अरविंद कमलेश कीर, सुरेश पांडे, माया शर्मा, विष्णु सासी, मयंक वैष्णव, नरेश बैरागी, आकाश शर्मा, आशुतोष राणा, राज भट्ट, मोहम्मद शबीर, हरिओम पारिक, राजेश नुबाल, अंकिता पारीक, शोभित शैलेंद्र सिंह, हनी पारीक, शंकर लाल हनुमान वैष्णव, बलवंत शर्मा आदि कई नर्सिंग कर्मी मौजूद थे। नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। आज जो ज्ञापन दिया जा रहा है, 10 नवंबर 2020 को एग्जाम हुआ था सीएचओ का, जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। 2 महीने हो चुके, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। ये है राजस्थान सरकार की नाकामयाबी प्रदर्शित हो रही है। यहाँ पर लाखों बेरोजगार छात्र बैठे हुए हैं, सभी बैठे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। और जो अपने एम्स के द्वारा जो 80:20 का जो रेशो चल रहा है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, जो कि फीमेल को 80% और अपने मेल को 20% का ये एस मान जो कि किया जा रहा है। इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। अगर 5 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। मनोज जोशी।